Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you are all doing well. अब सब अच्छे से स्वास्थ्य सुंदर है. आप लोगों को स्वागत है मेरा सिंपल लाइफस्टाइल के एक सिंपल ब्लॉग के. आशा करते हुए ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा. तो कैसा लग रहा है मेरा घर का दो कॉर्नर का डेकोरेशन. थोड़ा बहुत सिंप्लिसिटी के साथ मैंने कुछ सजा लिए हैं. यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करने की बारी है क्योंकि धीरे धीरे प्लांट्स बढ़ रहे हैं. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि हाँ रिबू के पापा मेरे गार्डनिंग हॉबी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट करते हुए मैंने 26 साल निकाल लिए है अपनी शादी का. 27th ईयर भी आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा. तो उनको जो है मेरा प्रॉब्लम समझ में आ गया है. उन्होंने फिर से एक स्टैंड खरीद के दिया है. क्या करें, इकलौते बीवी को देना ही पड़ता है. तो ये स्टैंड जो है पापा ने भेजा है, बेटे ने इसको सजा के मम्मी के लिए दे रहा है. जब बेटा कोई काम करता है वो किसी का नहीं सुनता है, तो वो उसको खुद को ही करना है. लेकिन मम्मी जो है वो भी छोड़ती नहीं है. अगर इतना दूर आके सपोर्ट कर रही है, साथ रह रही है, तो ये एक स्टैंड लगाने के लिए छोड़ेगी क्या? नहीं छोड़ती, पास में बैठी रहती है. चले जाओ, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए. लेकिन मम्मी को रहना ही रहना है. एंड इसके बाद भी बहुत सारे काम है. एक्चुअली सुबह से, संडे सुबह से ही हम लोग लग पड़े हैं, क्योंकि ये 2 दिन पहले आया था. रिबू का तबीयत खराब हुआ मेरे तबीयत खराब के 2 दिन बाद. वायरल जो होता है ना, एक इन्फेक्शन एक से दूसरे में जाने में 2-3 दिन टाइम लगता है. अभी तक रिबू सही नहीं हुआ है, बुखार है, थोड़ा कम है. मेडिसिन भी लिया है, थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लिया है. तो अभी हम माँ बेटे लग पड़े हैं इस काम के लिए. आज है एकादशी, पूजा भी करना है. लेकिन उससे पहले हमको ये चीज़ अगर सेटल ना करूँ ना, तो नेक्स्ट टाइम इसको फिर से साफ सुथरा इस जगह को करना पड़ेगा. फिर से मुझे नहाना पड़ेगा. लास्ट डे मैं इवनिंग में नहा के बहुत कब चुकी हूँ. थोड़ा तबीयत तो आज बेटर फील हो रहा है, लेकिन कल भी बुखार आया था सैटरडे को भी. तो चलो, ये मेरे बातें करते करते रिबू का भी सेटल हो गया है. चटर चटर इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी है, जैसे मम्मी लोग करते हैं वैसे मैंने किया है. तो इसलिए वीडियो को मैं म्यूट कर दे रही. तो फ्लिपकार्ट का रेफरेंस देख के रिबू कर दिया है. अभी यहाँ पे प्लांट्स को ला के इस जगह को साफ करना है. कल साफ करी थी लेकिन इवनिंग में थोड़ा बारिश भी हुआ था, इसलिए जगह फिर से थोड़ा सा गंदा हुआ है. अभी बैंगलोर में बारिश चलेगा. कर लिया. एंड ये रेफरेंस फ्लिपकार्ट से खरीदे ना, तो पेमेंट रिबू के पापा नहीं करे हैं. स्कूबी बाबू का भो 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 चालू है. किसका भो भो जोर ज्यादा है, मेरा है स्कूबी का. तो चलो जो भी हो, रिबू भी साफ कर रहा है, मैं भी साफ कर रही हूँ, दोनों मिल के काम कर रहे हैं. जल्दी से हो जाएगा. हाँ, मेरे तरफ आप मत देखो क्योंकि कमर बांध के मैं साफ सफाई में लग जाती हूँ. इसको यहाँ पे सेटल करना इजी तो नहीं है, इतना छोटा जगह आप देख ही सकते हो. स्टैंड रखने के बाद खाली मैं ही घुस पाऊंगी और कोई नहीं घुस पाएगा. पूजा भी मेरा हो चुका है, तो यहाँ पे जो फ्लावर थे ना, एंड वहाँ पे भी एक फ्लावरिंग हुआ है, तो फर्स्ट फ्लावरिंग मैं जाती हूँ भगवान को देना. तो चलो वो भी हम करेंगे. एंड इवनिंग को मैं दिखाऊंगी एकादशी का दर्शन, भगवान को कैसे मैंने रेडी किया है आज. थोड़े थोड़े जो फ्लावरिंग दिख रहे हैं ना, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़ा एक हाथ दी हूँ मैं, देख रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि वो वाला काम आता है, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी. नहीं तो मैं रुक रही हूँ. एक्चुअली जो किया है दिनानंदन मैं शेयर नहीं करूँगी. গিয়ে ছবি তুললো যাই যেন মরে যাস না. দেখ কেমন করেছি, সেখানে কিছু করে কিছু না সমস্যা খেয়ে করেছে কি সুন্দর. তারপরে হিসু, হ্যাঁ হিসু করে দিয়েছো, কিছু বলা যাবে না. হিসু কেঁদেছে, বেশ করেছি,
सो एक्चुअली लास्ट डे मैं जो कचौरी वाला तरकारी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, बंगाली में बोलते हैं तरकारी, तो वो जो आलू सब्जी बनाई थी उसके साथ मैं पराठा बनाई थी, तो नींबू को वो सब्जी बहुत पसंद आया था, दैट मीन्स तरकारी बहुत पसंद आया था, लेकिन उसके साथ पराठा इतना जमा नहीं। तो आज एकादशी का दिन मैं वही सब्जी बना रही हूँ, उसके साथ पूरी बना ली हूँ। वो मेडिसिन खा रहा है ना, तो उसको बहुत भूख लग रहा है, मुझे भी भूख लग रहा है। अभी धीरे धीरे ठीक होंगे ना, तो थोड़ा खाने की जरूरत है, तो ऐसे पूरी एंड सब्जी बनाए, बहुत रैलिश करके खा लिया, एंड खाने के बाद आ गया है बारिश। तो बारिश का मैं पिक्चर उठा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को बारिश देखना, एंजॉय करना। एंड यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, सबका वीडियो करना पॉसिबल नहीं होता है एक ही इंसान के लिए, तो यहाँ पे मैं खड़ी थी, पीछे से रिव्यू है, तो वो मैं जो गाना गाती हूँ, देखो बेटे को कितना पता हो गया है अभी कि मम्मी बारिश देखे यहाँ पे अकेले अकेले गाना गाएगी, लेकिन मैं गाना गा नहीं रही थी अभी, तो उम्र हो रहा है ना, तो उतना गाने गाने का शौक नहीं होता है। तो रिबू ने वो पापा वाला काम कर दिया है, तो चलो रिबू का गाना ही आप लोग सुन लो, कैसा लग रहा है बोलो। देखो तो और एक जन आ गया है जिसको गाना गाना तो नहीं आता है, लेकिन साथ देना बहुत अच्छे से आता है, वो भी सब कुछ अपने नजरों के सामने रखता है। बारिश जो थी वो इस साइड ही थी, तो जो भी हो मेरे मेहनत को थोड़ा बहुत ही इधर उधर करके बारिश चले गए हैं, तो जो ऐसे भी सिचुएशन है वैसे ही सिचुएशन मैं शेयर कर रही हूँ। आज सोचे थे कि हाँ थोड़ा स्प्रे भी करूँगी, बट नॉट पॉसिबल, अभी इस कंडीशन में स्प्रे भी नहीं हो सकता। जो भी हो बारिश से धुल चुके हैं, एक्चुअली यहाँ पे बारिश आके गिरा ना, तो थोड़ा सा गंदा गंदा लग रहा है, लेकिन सब धो के सब साफ़ सुथरा करके इस कंडीशन में मैं प्लेस करी थी। अब बारिश इस साइड आएगा किसको पता था, तो जो भी हो एक्सेप्ट इट। यहाँ पे अच्छी बात यही है कि देखो रजनीगंधा स्टिक भी थोड़े थोड़े करके निकल के आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स का ग्रोथ दिख रहा है। ये सारे मैंने अमेजोन से ही ख़रीदा है, ये लास्ट टाइम भी मैंने अमेजोन से ही ख़रीदा है, जो कि भुवनेश्वर में मैं छोड़ के आई हूँ। एंड यहाँ पे रिबू प्लांटेशन किया है, एंड ऑब्वियसली एडनियामित कलिया आ चुके हैं, फ्लावरिंग भी हो जाएंगे, एंड शेयर भी करेंगे। लेकिन आज ही सुबह मैंने सब कुछ सही किया था, पानी भी दिया था, लेकिन सब कुछ के ऊपर भी इसे पानी गिर गया। अच्छी बात है, प्लांट्स ग्रो करेंगे, एंड जो स्प्रे करने वाली थी वो भी नहीं करना पड़ेगा। बारिश का जो छीटा था ना, वो बहुत जोर से एक्चुअली बारिश हुआ, तो जो भी उसके ऊपर कीड़े मकोड़े थे तो बारिश के पानी से ही धुल के चला गया। तो एक तरफ से तो मेरा काम कम हो गया, एक तरफ से थोड़ा सा काम ज्यादा भी हो गया, क्योंकि इस जगह को साफ करना पड़ेगा। तो चलिए भगवान का दर्शन भी आया, आप लोगों को करा देती हूँ। ये है आज का ड्रेसअप, आई होप बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि आज है मोहिनी एकादशी, तो भगवान फुल अच्छे एटर में है, लेकिन सोना सोने का थोड़ा सा गहना पहने होते तो अच्छा लगता। वो वाला विश ना जाने कब मैं फुलफिल कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो है मेरा अपना विश है। मैं अगर स्टेबल हो जाऊंगी तो वही वाला विश मैं फुलफिल करूंगी। बरसात में थोड़े से पकोड़े खाने का मन किया, तो मैंने दाल भिगो के पूजा करने बैठी थी। पूजा करने में 40 मिनट्स टाइम लगता है, तो उसमें जो है दाल पूरा भीग गए थे, उसके बाद उसको पेस्ट बना के मैंने पकोड़े बना लिए हैं। इतना तो हम एकादशी के दिन नहीं खाते, लेकिन क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं इसलिए भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है। आई थिंक जब बीमार होते हो तब आपका चलता है, तो हमने ये बना के खा लिया। इसके साथ एकदम ब्लैक टी बनाई थी बहुत पतला करके, वही वाला थोड़ा सा चाय भी पी लिया है, गर्मा गर्म चाय विद पकोड़े।
रिबू को मैं बोल रही थी कि रिबू तू थोड़ा खा ले खा ले। रिबू बोल रहा था कि यूजुअली तो हम नहीं खाते, फिर कैसे खाएंगे, एक दफ़ा यही डिनर कर लेंगे। लेकिन वो एक बार खाया पकौड़ा, फिर उसको बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला जब तेरे को मन नहीं कर रहा है पूरा इसको खाने का तो छोड़ देते हैं इसको, नेक्स्ट डे हम सब्जी बना लेते हैं, तो आ जाए मंडे। चलो, बहुत दिन से मन था ये खाने का बंगाली, अब बड़ा तरकारी, इन हिंदी क्या बोलते हैं, कारी पकौड़े। कारी तो हमने नहीं बनाया, पकौड़े की सब्जी हिंदी में आप बोल सकते हो, बंगाली में ऐसे खाते हैं हम। प्योरली वेज, ओनली अदरक हींग जीरा गरम मसाला ये सब दे के बना, बहुत टेस्टी होता है। आप चाहो तो टमाटो भी दे सकते हो, काट के टमाटो सॉस दे सकते हो, थोड़ा चिली सॉस ऐड कर सकते हो, तो ये भूख के लिए भी बनाया जाता है। और सब में इसको थोड़ा सा सॉस से पटिस मास्टर पेस्ट ये सब दे के बनाते हैं, तो वही बेसन की तरकारी वो लोग बोलते हैं, बेसन बेसन सब्जी या फिर कुछ बोलते हैं। लेकिन मैंने छोला दाल जो बंगाल ग्राम पीस वो वाला दाल, मूंग दाल ये सब लेके कल जो पकौड़े बनाए थे उसी का ये बना। खाना भी हो गया है, ये है मंडे का, संडे मंडे का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को एक पे खत्म करते हुए आप लोग स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय फॉर नाउ, बाय, सी यू सून।